अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल पर होन टुगेदर उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे तो आज हम लोग क्लास नाइन बायोलॉजी के टारगेट पेपर को देखेंगे क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर आपने कंप्यूटर भी डाल दिया आपने मैथमेटिक्स भी डाल दिया आपने फ़िज़िक्स भी डाल दिया आपने आ, तमाम सब्जेक्ट्स उर्दू इस्लामिक तमाम चीज़ें डाल दिया लेकिन आपने अब तक आ, गैस पेपर बायोलॉजी का प्रोवाइड नहीं किया है तो आप जल्दी से बायोलॉजी के भी क्लास नाइन के पेपर्स को प्रोवाइड कर दें ताकि क्या हो सके हमारे बोर्ड के पेपर की तैयारी सके क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने आपको क्लास नाइन के बायोलॉजी के टारगेट पेपर दिए थे उसमें से काफी सारे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए थे तो मेरी कोशिश है कि इस साल भी मैं आपको ऐसे सवाल दूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए क्या हो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके ठीक है तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग देखते हैं लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वक्त पर आपको फौरन मिलते रहे और आपको जो भी टारगेट पेपर चाहिए हो या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो तो मैं क्या कर दूँगा आपको तमाम मटीरियल्स बता दूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि मैं हर साल अलहमदिल्ला दो सालों से आपको इस तरह से गाइड कर रहा हूँ तो इसी तरह से मैं आपको आगे भी गाइड करते रहूँगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन आपके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है अगर आप जितना अच्छे से सब्सक्राइब करोगे उतना ही क्या होगा बेनिफिट होगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्लास नाइन के बायोलॉजी के ठीक है तो घबराना नहीं है आपने और सवालत को चेक करते जाना है ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं अपना हाईलाइटर को ही ऑन कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा चलो खैर मैं इसी को ही देख लेता हूँ डैड वाले पेन को ठीक है तो मेरे पास क्या हो जाएगा Uh, मेरे पास जो सबसे पहला सवाल है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमिक ठीक है स्टोमिक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है और डिजॉर्डर ऑफ जी यू टी गट का आपने क्या बताना है डिजॉर्डर बताना है ठीक है तो ये आपके पास सवाल है उसके बाद लिखा है वॉट इज द वॉट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉनिक मेल न्यूट्रेशन एंड एक्यूट न्यूट्रेशन मेल न्यूट्रीट्रेशन एंड एक्यूट मेल न्यूट्रीट्रेशन के बारे में आपने बताना है पॉइंट आउट एनी फोर सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैल न्यूट्रेशन ठीक है लॉन्ग सवाल आते हैं तभी तभी इस तरह के बड़े बड़े सवाल आते हैं ठीक है उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है सबसे अहम जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है वो मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ फ्लो चार्ट बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी तैयारी अच्छे से करना है uh, डिस्क्राइब द सोल्यूशन ऑफ़ द बायलॉजिकल प्रॉब्लम यूज इन द केस ऑफ मलेरिया मलेरिया में क्या क्या बायलॉजिकल प्रॉब्लम होती है आपने वो बताना है डिस्क्राइब द बायनोमियल नॉमन क्लेशियर सिस्टम डिस्क्राइब करना है बाइनोमियल नॉमल क्लेशियर क्या होता है डिस्क्राइब सॉरी ये लाइन एक एक्स्ट्रा एक खिंचा गई मेरे से ठीक है फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट से डिस्क्राइब डिफाइन द कन्वर्जे ऑफ बायोडावर्सिटी एंड ऑल्सो राइट द काजेज एंड इफेक्ट ठीक है आपने बायोडावर्सिटी की कन्वर्जेशन बतानी है और उसके इफेक्ट्स बतानी है डिस्क्राइब द किंगडम क्लासीफिकेशन इन डिटेल अलॉन्ग विद द फ्लो चार्ट ऑफ ईच क्लासीफिकेशन ठीक है लॉन्ग का सवाल है इसलिए इस तरह के सवालत हैं डिस्क्राइब दॉ बायोमियन नॉमिन कलेचर आपको हटा देते दोबारा आ गया इसको हटा देना ठीक है वॉट आर द काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉल

फोटोसेंसिटिव कौन कौन से फेसिस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है वॉट इज ट्रांसपायरेशन एक्सप्लेन द फैक्टर रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर राइट दैडिंग ऑफ सिम्टम एंड कॉजे बल्ड डिसम कॉजिंग बताना आपने डिस्क्राइबाइन वही सवाल दोबारा से आ गया स्टूडेंट एक्सप्लेन द मैकेजम एंड कंपोनेट ऑफ हुमन डायजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल ठीक है हुमन डायजेस्टिव सिस्टम को आपने बताना है डिटेल में कंपोनेट ऑफ हुमेन फूड इन डिटेल आपने फूड के बारे में बताना कंपोनेंट के ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजॉर्डर ऑफ ब्लड ये वही सवाल दोबारा आ गया ठीक है बार बार रिपीट हो जाता है ठीक है एक्सप्लेन बारे में बताना है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैन इन डिटेल ठीक है आपने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है डिफाइन मिटियोसिस डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ मिटियोस विद सूटेबल डायग्राम ठीक है मिटोस के बारे में बताना है डिस्क्राइब द आट्रोट्रॉफिक एंड हाइट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ हैट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट ठीक है हाइट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बताना है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टूडेंट ये तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है ठीक है सारे सवाल आपको बताया अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्टूडेंट लॉन्ग के बेसिस पे तो ले सकते हो मैं फिर से कहता हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो बैल के क्लिक करो, करो ताकि क्या हो सके इन तरह की वीडियोज़ में आपको ना रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड कर सकूँ ठीक है चले आए थे अब क्लास नाइन के शॉर्ट क्वेश्चन के जाने मैंने कोशिश क्या किया है मैंने कोशिश किया है कि चैप्टर वाइज तो है लेकिन वो क्या होगा आपके पास लाइक आपके पास इस तरह से होगा Uh, मतलब किस लाइन वाइज ही होगा तकरीबन तकरीबन ठीक है द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बताना है डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड बायोलॉजी के किस तरह से रिलेशन होते हैं अदर फील्ड से वो बताना है डिफाइन इंजाइम राइट टू यूजेस ऑफ इको इज़ाम इंजाम क्या होता है उसके इको इंजाम डिफाइन बायोडावर्सिटी वॉट रोल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये वेल नहीं होगा ठीक है डिफाइन प्लाइट एंड राइटाइट प्लस टाइट बताना है उसके स्टाइट बताना है शॉर्ट नोट ऑफ प्लान सेल और माइक्रो ठीक है ये प्लान सेल और माइक्रो होगा वॉट आर द स्टेप टू

और क्लोज के बारे में स्टूडेंट डिफरेंसेस भी आ सकता है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एन एरोबिया रिस्पायरेशन आपको बताना है एन एरो एंस्परेशन क्या होता है हमारे पास लिखा हुआ एक्सप्लेन द टर्म ऑफ टेक्जोनोमिक्री अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन आपने एक्सप्लेन करना है टेक्जोनोमिक क्या होता है राइट द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के कौन कौन से टाइप्स है वॉट इज द पॉश्युलेट ऑफ सेल थोरी सेल थ्री के क्या पॉश्यूलेट होता है डिस्क्राइब द सेल ऑर्गेनस सेल्स ऑर्गेन कौन कौन से होते हैं हाउ ऑर्गेन ऑर्गेनाज्मेन न्यूट्रीशन एक्सप्लेन इन ऑर्गेनिज्म अमीबा अलॉन्ग विद इस डाइग्राम आपने बताना है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन को क्या करता है ऑप्टेन करता है ठीक है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन एंड राइट इट्स टाइप मेल न्यूट्रिशन के और की औरत डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल प्रोक्रीड एंड यूक्यूडियोट नर्वस टिश्यू मसल टिश्यू ठीक है इन सब के बारे में बताना है कि इन तमाम के डिफ्रेंस बताना है एक्सप्लेन द फैक्टर डेट द इफेक्टिंग द इन्जामेटिक एक्टिविटी अलॉन्ग अल्सो डायग्राम ठीक है ग्राफ uh, के साथ करना है वॉट इज द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ इंजाइम इंजाइम के कौन कौन से एक्शन होते हैं राइट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं ये बताना है वॉट आर द डिजीज़ कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के कौन कौन से डिफिशियंसी होती है वॉट आर द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल मिनरल्स के uh, कि डिजीज़ के कौन कौन से डिफिशियंसी होते हैं आपने यह बताना है ठीक है उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास क्या टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं वही सवाल वापसी रिपीट हुआ है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपटेक वाटर सॉयल एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट ये बताना है आपने वाट इज़ द मेकनिजम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोज एस्टोमेटा ये वही वाला सवाल आ गया वाट हाउ ऑर्गेनिज्म ये वही सवाल आ गया दोबारा से ठीक है वाट इज़ द मेल न्यूट्रिशन ये भी वही सवाल आ गया स्टूडेंट Uh, उसके बाद यह क्या वाट इज़ द डिजीज़ कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ये भी वही सवाल है व्हाट इज़ द मिनरल ये भी वही सवाल है एक्टिव एंड पैसिव क्या ट्रांसपोर्ट बताना है ठीक है तो ये तमाम सवाल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया स्टूडेंट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका स्क्रीन शॉट इस तरह से पहले यहाँ का ले लो फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ का स्क्रीन शॉट ले लो मैं ये कहूँगा कि मुसलसल मुसलमें बोल रहा हूँ रोज़ा भी है लेकिन खैर आपको वीडियोज़ तो प्रोवाइड करे नहीं है तो बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेल के को क्लिक कर दो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में अपना ख्याल रखना अपने इर्द का ख्याल रखना तो में याद रखना लाला हाफ